बसमानर अल्लाक ये रिपोर्ट मेरे पास है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अवेयरनेस फाउंडेशन वालों को जिन लोगों ने इसमें काम किया उन सबको मैंने रिपोर्ट को अभी पढ़ा है और मैंने थोड़े दिन पहले भी इसको देखा था मुझे इसकी एक कापी मुझे ये सहूलत मैसर आई कि पहले मिल गई थी मैंने इसको पहले भी पढ़ा था और ज़बरदस्त काम हुआ अलहमद और ये काम जारी रहना चाहिए मैं एक चीज़ की उम्मीद करता हूं और दुआ भी करते हैं व्हाट्सअप कि अगले साल ये जो लिस्ट है सहाफ़ियों वाली ये छोटी होगी और हम यहां पे ज़्यादा लोग बैठे होंगे लोग इसमें कम हो गए और हॉल में ज़्यादा होंगे मैं इस बात की उम्मीद करता हूं मैं क्योंकि तनकीद करता हूं बात खुलकर और मुझे आदत है बात खुल कर बात करने की तो मैं उन सबको वेलकम करता हूं जो भी तनकीद करना चाहता है बहुत अच्छी बात है डिस्कस कीजिए हमारे कंडक्ट को और हमें भी करने दीजिए फिर लेकिन किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मारे वो डराए वो जबर करे यहां सब लोग ये बात कर रहे थे कि इकट्ठा होना पड़ेगा यूनिटी होनी चाहिए मुझे वो सिंपली एक दो लाइनें याद आ गई कि जबर का मौसम कब बदलेगा जबर का मौसम कब बदलेगा हम बदलेंगे तब बदलेगा और बदलेगा जरूर बदलेगा मैं कुछ चीजें बड़ी आप क्लियर कर देना चाहता हूं अगले दो चार मिनट के अंदर कोई गलतफहमी रहे ना खुलकर बात कर लेते हैं हमारे ऊपर पर्चे देने की औकात पॉलिटिशियंस की नहीं है ये क्या बेचते हैं पर्चा देंगे हम पे कमज़ोर लोग बुजदिल ये इमरान खान पर्चा करवाएगा नवाज शरीफ करवाएगा आसिफ जरदारी पर्चा करवाएगा हम पे ये औकात है पर्चा देने की इनकी वाट साहब नहीं करवा सकते ये इनकी क्या जरूरत है कि हमारे ऊपर पर्चा करवाएं पर्चा मेरे पे हो या मीर शकील पे हो अरशद शरीफ पे हो या साबिर शाकिर पे हो समी भाई पे हो या भट साहब आपके ऊपर हो या जमीर भाई आपके ऊपर हो ये नहीं करवा सकते पर्चा ये जो पर्चा हमारे ऊपर होता है ना बगावत का गद्दारी का इसके कॉपीराइट ही नहीं है पॉलिटिशियंस के पास हर चीज के कॉपीराइट्स होते हैं ना ये जो रियासत से बगावत का और गद्दारी का मुकदमा है इसके कॉपीराइट इन सियासतदानों के पास नहीं है वो इनके अब्बा जी के पास हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं कॉपी राइट्स गद्दारी का पर्चा बगावत का पर्चा वो हम पे करवाएंगे दुनिया के किसी मुल्क में ये पर्चे नहीं हो रहे क्योंकि सब मुल्कों को इस बात का यकीन है कि उस मुल्क में रहने वाले शहरी उस मुल्क के वफादार हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस्टैब्लिशमेंट को इस बात का शक अभी तो बाकी है कि यहां पर गद्दार भी हैं और बागी भी हैं क्यों शक करते हो क्या मसला है आपका यह कहना चाहिए वो नहीं कहना चाहिए सवाल ही तो पूछते हैं हम करते क्या है यानी अजीबो गरीब किस्म के स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में बनाए हुए हैं मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से खुली खुली मैं सामने बात कर देता हूं आप गैरों की जंग में हमें धकेल दें तो आप मुहब्ब वतन है और हम आपसे ये पूछें कि इतने सारे बंदे क्यों मारे जा रहे हैं तो हम गद्दार भी हैं और बागी भी हैं आप बंद कमरों के अंदर फैसले करें इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के तो आप मुहब वतन है हम आपसे पूछें कि उन फैसलों के नतज पर नजर देखिए बताएं कि ये हालात क्यों हुए तो हम गद्दार हैं आप पाकिस्तान में बार बार रजीम चेंज ऑपरेशन करें मंतख हुकूमतों को घराएँ तो आप मुहब वतन हैं हम आपसे पूछें कि यह क्यों किया तो हम गद्दार भी हैं और हम बागी भी हैं आप वजीर आज़मों के इंट्रोड्यूस करें और फैसला करें कि इसको बनाना है और इसको नहीं बनाना तो आप मुहब वतन हैं और हम जब ये कहें जनाब आवाम का फैसला होना चाहिए ये 22 करोड़ लोग हैं कीड़े मकौड़े नहीं हैं तो हम गद्दार भी हैं और हम बागी भी हैं यानी आप बगावतों के और गद्दारियों के मुकदमे दर्ज करवाएं जो पूरी दुनिया में नहीं हो रहे और जब हम आपको ये कहें कि क्या हम बागी हैं तो उस पर भी हम बागी हैं उस पर भी हम गद्दार हैं यानी अजीबो गरीब किस्म का क्राइटेरिया बनाया हुआ है आप हमारे लिए हमारे मुल्क की ज़मीन को तंग कर दें तो आप मुहब वतन हैं और हम अपनी ज़मीन पर आज़ादी से रहने का हक मांगें तो हम गद्दार हैं हम बागी हैं आप खुदा न खासा कभी हार भी जाएं तो आप मुहब वतन हैं और हम आपसे पूछें कि हजूर वाला ये क्या हुआ था तो हम गद्दार हैं हम बागी हैं आप किसी एक तजर्बे में नाकाम हो जाए तो आप मुहब वतन हैं और हम सिर्फ नाकामी की निशानदेही कर दें तो हम गद्दार हैं हम बागी हैं, हम हंसे तो गद्दार हैं रोए तो गद्दार हैं, बोले तो गद्दार हैं चुप रहे तो गद्दार हैं बात करें तो गद्दार हैं, ना करें तो गद्दार हैं, हम सवाल करें तो गद्दार हैं जवाब मांगें तो गद्दार हैं जवाब ना देने पर रिएक्ट करें फिर गद्दार हैं क्योंकि हम पैदा हुए हैं वजूर गद्दारी के लिए हमारे गलों में ना तख्तियां डालो और हमें चक्कर लगवाओ पाकिस्तान के गद्दार लिखकर हमारे माथों पे लिखो गद्दार इधर यहां लिखो या गोली मार दो हमारे लिए वो ज्यादा आसान होगा तकलीफ होती है अरशद शरीफ ने किसके लिए आवाज नहीं उठाई थी आप सारे गवाह हैं जिसको मार पड़ी वो उसका शदीद तरीन मुखालिफ होने के बावजूद कहता रहा कि गलत मारा है, तो तकलीफ होती है ना बट वट्सअप नाकामी थी हमारी उसका हम पे एतबार खत्म हो गया वट्सऐप उसको पता चल गया अब उसका बोझ नहीं उठा सकते वो इसलिए मुल्क छोड़ के गया था उन्हें पता लग गया ताल तो उतरे होना हम पे उसका एतबार खत्म हो गया था तकलीफ होती है चुप करके निकल लिया इन्होंने मजाक उड़ाया उसकी तस्वीर दिखा दिखाकर हमारे इख्तलाफ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया हमारे लोगों को तस्वीर भेजी कि ये देखो भाग रहा है फोटो लगाओ सोशल मीडिया पे गंदा करो इसको भाग रहा है और बुजदिल नहीं था बुजदिल होता तो तुम्हारे साथ डील करता तुम उसकी मिन्नतें कर रहे थे डील के लिए रोज उसे कहते थे कि वो बात करें रोज उसे कहते थे कि आओ सरेंडर करो हमारे सामने उसके बच्चों को थ्रेट उसकी फैमिली को थ्रेट अकेला था उसको पता था सबको उसने अकेले ने संभालना कोई और तो नहीं था उसके साथ जाओ पूछो उसकी मां से मैं मिलकर आया हूं उस दिन सारी बातें करने के बाद पूरा हौसला देने के बाद आखिर में वो कहती है कि अरशद तो नहीं है ना जो कुछ भी हो अरशद तो नहीं आएगा आप हम पे उसका एतबार खत्म हो गया था इसी काबिल हम हम पे भरोसा नहीं था उसका इसलिए वो यहां से गया वो दिल नहीं था हम नकारा हो गए थे हम उसको नहीं बचा पाए मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं मोटरवे पे आ रहा था मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की मुझे ला दी गई कि आप इस्लामाबाद आएंगे तो पकड़ेंगे तुम तो मत जाओ तो मुझे दो वजूहत समझ आई या तो कोई ये चाहता है कि मैं आके बात ना करूं या हो सकता है वाकई पकड़ ले तो मैंने एक वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड करवाई इसलिए कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये लोगों तक पहुंच जाएगी वीडियो और मुझे जो इतला दी है कैसे दी है किसने पकड़ा ये भी पता चल जाएगा मैंने अपने बच्चों से भी माफी मांगी मैं एक साल में उनको कोई किसी एक मौके पर भी जो मैं उनके साथ टाइम गुजारा करता था मुझे वो मौका ही नहीं मिला मैंने उसी वीडियो में उनसे माफी मांगी कि बेटा सॉरी बाबा फिर लेट हो गए लेकिन वादा आपसे पूरा करेंगे लेकिन आपको पता मेरे दिमाग में वाई चीज क्या चल रही थी मेरा भी आप सबसे ऐतबार खत्म हो गया आखिर में मेरे दिमाग में यह आ रहा था कि अरशद नहीं है बोलेगा कौन वही था सबको इकट्ठा करके वहां अदालत में पहुंच गया था क्यों पकड़ा उसको हौसला देता था डट कर खड़ा था हर जगह उसने आवाज उठाई और पूरी कोशिश की उसने कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाए अभी मैं इस यकीन के साथ अंदर जाऊंगा कि अरशद पीछे नहीं खड़ा हुआ अब सिर्फ ये एक कमी मुझे महसूस हुई है वो इस कमी के साथ पाकिस्तान छोड़ गया था वो तकलीफ मैंने आज पहली मरतबा महसूस किया कि जब वो ये मुल्क छोड़कर जा रहा था तो वो कितना बेबस था और उसका हमने मजाक उड़ाया कि फला फ्लाइट से निकल गया इस तरह निकल गया इस तरह भाग लिया उसने मुझे फोन पे बताया इमरान तुझे पता है मैं कैमरे में जानबूझकर मुस्कुरा रहा था वो इसलिए कि मुझे पता था ये मेरा मजाक उड़ाएंगे मजाक उड़ाते हो यार पहले जमीन तंग करते हो फिर कोई यहां से चला जाए तो उसका मजाक उड़ाते हो क्या बंदूक लेकर तुम्हारे गले पड़ जाए वो भाई बोलने का काम है उसका साफी है वो वो अपनी साफ़र से टक्कर दे रहा था देता रहेगा शहीद है तुम्हारे लिए निशाने इबरत बनेगा वो मैंने पहले कहा था आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ मारना आता है हमें और बहुत कुछ आता है और वो हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे सिर्फ हमें मारना नहीं आता दबा दबा के दबा दबा के और जिसको दबाया एस्टेब्लिशमेंट ने दबाया हमद मीर का प्रोग्राम में बड़ा खुश था उस दौर में जब बंद हुआ क्योंकि हम भी एक अजीब वरीब दुनिया में रहते थे माशर्तलूंग की किताबें पढ़ के आए हुए थे लगता था सारे हीरो हैं एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बहुत वफादार है सच्ची बात है किसी की आंखें पहले खुल गई किसी की बाद में खुल गई लेकिन अच्छी बात है खुल गई लेकिन, लेकिन मफादात की पट्टी बांध के कभी आंख बंद नहीं की अलहमद्ला कभी इसलिए आंख बंद नहीं की कि मफादात की उसके ऊपर पट्टी बंधी हुई थी मतील्ला जान पे हमला हुआ मैं क्लिप आप सबसे शेयर कर दूंगा मैंने मुजम्मत की वो बच्चा जिसके घर के अंदर घुस के मारा जिसके साथ आपका केस चल रहा था मैंने मुजम्मत की जब अबसार आलम पर गोली चली तब मुजम्मत की सब रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है हामिद मीर के ऊपर गोली चली मुजम्मत की लेकिन हामिद मीर ने अपने मुंह से कहा था मेरे भाई ने कि मेरा प्रोग्राम सियासतदानों ने बंद नहीं किया इमरान खान की क्या औकात है बंद तो उन्होंने किया अब बोलता है इमरान खान से बदला लूंगा अपने मुखालिफ को पहचानिए फिर इकट्ठे हो जाएं, तो शायद आपकी जान छूट जाए वरना ऐसे ही इसी तरह हमारा वक्त गुजरता रहेगा मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को एक बात कहना चाहता हूं कि हुजूर आपका मर्तबा आपका रुतबा बहुत बड़ा है ये बहुत छोटे छोटे काम है जिनमें आप पड़े हुए हैं ये छोटे छोटे काम हमें करने दें एतबार करें हमारे ऊपर कीड़े मकोड़ों पर हम गद्दारों को यह मुल्क चलाने दो आप मुहबे है बहुत बड़े लोग हैं आप बड़े बड़े काम किया करें आप आपका रुतबा बहुत बड़ा है बड़ा मुकदस काम है आपका हम उसकी कदर करते हैं यूं सल्यूट करते हैं आपको खुश होते हैं आपको देखकर लेकिन ये छोटे छोटे काम हमारे लिए छोड़ दीजिए हमारे लेवल पे मत गिरिए आप बीच में से निकल जाए ना तो इन सब माफिया को हम संभाल लेंगे मीडिया वाले बस आपके खिलाफ बोलने को जरूरत की बात नहीं है दिल नहीं करता खुदा की कसम दिल नहीं करता खुदा की कसम दिल नहीं करता डरते वरते नहीं है पता है आपको बुज दिल नहीं है हम क्या करोगे गोली मार दोगे मार दो डरते नहीं है तुमसे तुमसे प्यार करते हैं तुम्हारी कदर करते हैं डरो दिन से जिस दिन हमारे अंदर से ये जज्बा खत्म हो जाएगा हम प्यार करना चाहते हैं कदर करना चाहते हैं हमें मत धकेलो दीवार के साथ मत लगाओ और ये ड्रामा बंद करो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानी करेंगे पाकिस्तान के फैसले हम करेंगे ये हमारा राइट है लोगों का राइट है डेमोक्रेसी ये कहती है ये बंद कमरों के अंदर ड्रामे बंद करो पाकिस्तान को तजर्बा मैं बचपन से पढ़ रहा था लिखा हुआ था इस्लाम के लिए तजर्बा गाह बनाएंगे पाकिस्तान को हमारे लीडर्स ने यह बताकर पाकिस्तान बनाया वो किसी और चीज की तजर्बा गाह बना दिया पकड़ के इसको पकड़ लो उसको नंगा कर लो उसको डंडे मारो उसके कपड़े उतार दो उसको किसी के वहां पर ले जाओ इसको जगाते रहो इसको शहरों में फिराओ अजीब ड्रामेबाजी है यार मुल्क क्या बना दिया आपने इसको आपके अपने घरों में बच्चे नहीं है यानी हमें डिवाइड करके हम पे रूल कर रहा है पहले गोरा कर रहा था अब एस्टेब्लिशमेंट कर रही है इससे अगर निकलना है ना तो एक बार सोचना पड़ेगा मैंने यहां किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया मैंने सिर्फ बताया है कि वो कौन है जो हम सबको डैमेज कर रहा है इस मौके से हमें फायदा उठाना चाहिए हम सबको एक मौकफ बनाना चाहिए एक मौकेफ कम से कम इस बात के ऊपर कि एक को मार पड़ेगी तो सबको मार पड़ेगी यहां से भी शुरू कर लो तो बहुत है बाकी मर्जी है अगर डिवाइड एंड रूल करना है तो फिर करते रहिए इस गंदे खेल का हिस्सा बनना है तो बनते रहिए व्हाट्सएप को मैं इसलिए अप्रिशिएट करूंगा कि कोई भी फोरम हो कोई भी जगह हो कोई भी बुलाए जब सहाफत का नाम आता है तो आप लोग आ जाते हैं सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया हालात बहुत मुश्किल हैं जिस मुल्क का चीफ जस्टिस कहे कि वो बेबस है उधर भाट साहब क्या करें बेचारे लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा यूनिटी आएगी इन शाला इकट्ठे होंगे और हम नहीं चाहते कि हम अपनी इस्टेबलिशमेंट का मुकाबला करें तो बाद आ जाओ अब तक के लिए इतना ही थैंक यू